हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, दोपहर के 1 बजे हैं। मैं लंच बनाने जा रही थी और दिन में रात हो गई और इतनी ज़्यादा बारिश, तो मैंने कहा लंच बाद में बनाते हैं, पहले आप सब लोग एंजॉय करें बारिश। इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारे ये जो दीवार तोड़नी थी, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो बारिश की वजह से 2-3 दिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो मेरी आवाज़ से खुशी झलक रही है बारिश को देख के। और किस किस के यहाँ पे बारिश हुई थी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो जो है लास्ट तक देख लिया करो। करना क्या होता है, एक वीडियो देखनी होती है वो भी पूरी देख लिया करो। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बहुत ही जोर से। सावन मास की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास सबका बहुत अच्छा जाए, भोले बाबा की कृपा। पहले ही सावन के पहले ही सोमवार खूब खूब बारिश हुई। तो जी, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने राजमा रात को भिगोए थे, अब उसको उबलने के लिए रख रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा 1 गिलास पानी और डाल दूँगी, तो इसको उबलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैंने 4 विसल दिलाई थी, आप देख सकते हो बारिश ख़त्म हो गई और धूप निकल आई। 1 विसल आने पे मैं गैस फ्लेम को जो है वो मीडियम कर देती हूँ। मीडियम पे मैं 3 विसल फिर दिलाती हूँ। यहाँ पे मसाले के लिए मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन। प्याज लहसुन अदरक का जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है। चावल भीगे हुए हैं, इसमें थोड़ी सी जावित्री, काली मिर्च और जीरा डाल के, 2 चम्मच घी डाल के मैंने इसको रख दिया बनने के लिए। एक तरफ चावल बनेंगे, एक तरफ राजमा अपने उबल जाएंगे। राजमा का मसाला भी तैयार है, साथ ही साथ उसको भी बना लेंगे। तो राजमा जो है वो मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। आपको मैं दिखा रही हूँ, 4 विसल में राजमा जो है वो अच्छे से पक गए हैं। वो मैंने अलग बर्तन में निकाल लिए ताकि मैं कुकर में मसाला बना सकूँ। सॉरी फ्रेंड, इग्नोर करना। मैंने जो राजमा का एक दाना है आपको दिखाया है कि देखिए कैसे वो पक गया, वो गैस पे कर दिया था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो बेसिक मसाले हैं, जीरा लिया है मैंने, मिर्च ली है, नमक लिया, हल्दी ली है, थोड़ा सा गरम मसाला और 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक जो है वो मैं मसाला जो है उसके हिसाब से लेती हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से लेना, क्योंकि राजमा में भी 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने। अब इनको अच्छे से भून लेंगे और बाद में मैं इसमें डालूंगी टमाटर की प्यूरी, जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा है टमाटर का। तो चावल अपने बन के तैयार हैं। इस बार मैं ये वाले चावल लेके आई थी अपना इंडिया गेट, हाँ जी इंडिया गेट मोगरा, वो मोगरा लेके आई थी। वो छोटे छोटे चावल होते, खाने में बहुत ही टेस्टी थे। मसाला अच्छे से भून गया, उसने तेल छोड़ दिया, कच्चापन जो है प्याज लहसुन का निकल जाए, तो फिर मैं उसमें टमाटर ऐड करती हूँ। देखिए मसाला कितने अच्छे से भून गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और वीडियो तो लास्ट तक देखनी है। मसाला सारा भून जाएगा तो मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो डाल दूँगी राजमा मसाला। Mm-hmm.
मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ राजमा, और उसके बाद मैं उसको एक विसल दिलाऊंगी और फिर प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी और आपको कहूंगी आ जाइए आप भी खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी बने थे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ग्रेवी कितनी रखना चाहते हो। तो मेरे घर में जो है, यहाँ पे मैं एक विसल और दिलाई है मैंने राजमा को, ताकि रच बस जाए राजमा मसाले में। ये देखिए, जहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, मेरे घर में जो है तरी जैसी खाते हैं, थोड़ा पतला खाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो थोड़ा उसको गाढ़ा भी रख सकते हो, पानी कम डाल सकते हो। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, अपनी प्लेटिंग मैंने कर दी है, अपना जो लंच है बन के तैयार है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ में। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वाली मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।